हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड शेयर के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है 249 रुपीज़ के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी और लगभग हमें 1% से ज़्यादा की इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली थी। वहीं अगर दोस्तों 1 मंथ के रिटर्न की हम बात करें तो स्टॉक में 3.69% के हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं और वहीं 6 मंथ में अगर बात करें तो स्टॉक में हमें 3.5% की लगभग गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। हालांकि कंपनी के जो क्वार्टर 4 के नतीजे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो अभी करंट में जो है वो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अभी जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों स्टॉक में, ये सपोर्ट का काम कर रही है और ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो स्टॉक बहुत ही सिंपल है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कठिन स्टॉक नहीं है। सिंपल नीचे की ट्रेंड लाइन के पास में आपको इस स्टॉक को कैप्चर करना होता है। जैसे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया स्टॉक में, तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक में 1, 2, 3, 4 बार लगभग स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है। तो यानी कि ये जो स्टॉक की जो नीचे की ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए रेजिस्टेंस की, तो आप देख सकते हैं ऊपर की साइड जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है। 1, 2, 3, 4 बार इसने रेजिस्टेंस भी लिया है इसी ट्रेंड लाइन पर। आप देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है, पार नहीं कर पा रहा है इस हर्डल को। देख सकते हैं कि जो स्टॉक में जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है 230 रुपीज़ का जो लेवल है, ये इस स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको बाइंग करनी है तो 230 रुपीज़ से स्टॉक में 240 रुपीज़ के अराउंड में अगर बाइंग करी जाए तो ये काफ़ी अच्छा जोन होगा बाइंग जोन के लिए। और अगर SL की बात करें, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो SL है स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा निकल के आएगा। जो वीकनेस स्टॉक में होने वाली है दोस्तों 230 रुपीज़ के नीचे होने वाली है, क्योंकि अगर स्टॉक ने इस चैनल को ब्रेक किया, इस पैटर्न को ब्रेक किया, तो स्टॉक में हमें और फॉल देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई कि आपको कहाँ इस स्टॉक को मेरे हिसाब से क्या बेस्ट लेवल्स हैं। और अगर टारगेट की बात की जाए तो आप टारगेट यहाँ से देखिए कितने बड़े ले जाएंगे। अगर आप करीब यहाँ 230-240 रुपीज़ के अराउंड में अगर आते हैं, एंट्री करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो टारगेट है यहाँ से आप इजिली दोस्तों 18% का रिटर्न यहाँ से बना सकते हैं। और स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, अगर स्टॉक में ब्रेकआउट देखा जाए तो ब्रेकआउट का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 290 रुपीज़ का लेवल है। अगर स्टॉक 290 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस करता है तो स्टॉक में और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर जो इसका स्टॉक के जो टारगेट है दोस्तों, तो स्टॉक में फिर हमें जो टारगेट है वो आते देखने को मिलेंगे 310 रुपीज़ के। तो ये ऐसे टारगेट है दोस्तों, अगर स्टॉक में ब्रेकआउट होता है देन फिर वहाँ से हमें स्टॉक में जो ये टारगेट है आते हुए देखने को मिलेंगे। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये मेरा सिर्फ पर्सनल एनालिसिस है। ये चीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी स्टॉक लेते हैं तो स्टॉप लॉस का ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।